देखिए पंजाब में भी 117 सीटों के लिए मतदान हो रहा है और जमकर मतदान हो रहा है। हमने पंजाब की जनता क्या सोच रही है, किस दिशा में जा रही है, यह आपको समझाने के लिए, एनालाइज करने के लिए एक शानदार सेट तैयार किया है। पंजाब में मेरी सहयोगी रोमाना मौजूद है, लेकिन पंजाब के चुनाव की बड़ी बातें क्या हैं वो मेरी सहयोगी अपर्णा पहले आपको बताएंगी। बिल्कुल रूबिका, तो पंजाब चुनाव की बड़ी बातें दर्शकों को बताते हैं, जहां सुबह 8 बजे से ही वोटिंग शुरू हुई है और शाम को 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। क्या है बड़ी बातें वो आपको बताते हैं। पंजाब की सभी 117 सीटों पर आज मतदान जारी है, सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हुई। चुनाव मैदान में 4 गठबंधन इस बार है, इसलिए सियासी समीकरण बेहद दिलचस्प बने हुए हैं। पहली बार सीएम के लिए एक ऐसी फेस आगे है चुनावी मैदान में, किसानों के गुट भी इस बार चुनावी मैदान में है, तो ऐसे में पूरा मुकाबला बेहद कड़ा और बेहद दिलचस्प रूबिका। और अब जरा रुक कर लेते हैं मेरी सहयोगी रोमाना का, जो वहां पर मौजूद है। एक शानदार सेट खेतों के बीच में, क्या लहलहाएगी राजनीतिक फसल उन पांचों राजनीतिक पार्टियों की जो आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। रोमाना, पंजाब में जश्न का मौका हो और ढोल की थाप ना हो, भंगड़ा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता जी। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मतदान का दिन आज, देखिए किस तरीके से ये गुलाबी धूप खिली हुई है, ये पीछे पीली पीली सरसों के खेत ले ला रहे हैं। और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि वोटों की फसल कौन काटेगा, लेकिन उसके बीच क्योंकि यहाँ ढोल की थाप है, यहाँ पर भंगड़ा भी है, तो जनता इस बार किसको भंगड़ा कराने वाली है? मुझे लगता है कि जिन लोगों ने जनता के काम नहीं किए, जनता से झूठे वादे किए, उन तमाम सियासतदानों का भंगड़ा होगा, लेकिन किस किस का होता है ये पता लगेगा 10 मार्च को। चन्नी जी खूब भंगड़ा करते हुए नजर आए। चन्नी जी पहले भंगड़ा डालते थे, अब देखो लोग कैसे उनका डलवाते हैं। पंजाब के लोग किसको नचाने वाले हैं इस बार? मुझे लगता है कि पंजाब की जनता इस बार एक नया एक्सपेरिमेंट करने के मूड में है। जिस हिसाब से पंजाब की अगर सियासत को देखें और ये लोकतंत्र का मेला, तो मैं लोकतंत्र के मेले को ये कहूंगा कि आज कौन लूटता नहीं, कौन जीतता, वो आज पंजाब की जनता डिसाइड करेगी। बिल्कुल भविष्य तय कर रही है पंजाब के लोग अपना। बिल्कुल आज का भविष्य तय कर रहे हैं। और जहां तक भंगड़े का माहौल है, तो पंजाब के विलेजेस में इलेक्शन जो होता है वो मेले के बराबर होता है, तो दुकानें भी सजती हैं, भंगड़े भी होते हैं। ये फिर असली भंगड़ा तो 10 मार्च को पड़ेगा, 10 मार्च को असली भंगड़ा, लेकिन उसकी तैयारी आज मतदाता कर देगा पंजाब। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। और पंजाब में बदलाव की बिहार जैसे कहते हैं कि हवा चल रही है, और ये जश्न कौन मनाएगा ये हम 10 को देखेंगे। बिल्कुल मुद्दों पर हम आएंगे, लेकिन पहले पंजाब का ये चुनाव पर एक जी, ये चुनाव देखिए एक बिल्कुल फंसा हुआ चुनाव है। पर एक जो मैं बात आपको कह रहा था रोमाना पिछली बार, कि ये एक बात जो कही जा रही है कि पंजाब में दलित हैं, एक बात मान जाइए, गुरुओं ने जो सीख दी कि सब एक ही नूर से बनके हुए हैं, सब बराबर हैं, किसी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब वोट डालने जाते हैं तो जट सिख हैं और दलित दलित हैं। आप डेरों की बात कर रहे थे, डेरों का बनना ही ये दिखाता है कि दलितों को वो बराबरी नहीं है, डेरों से उनको वो विश्वास मिलता है, वो संबल मिलता है, इसी वजह से डेरे यहाँ पर पनप रहे हैं। ये बड़ी बात ये एक बहुत समझने वाली बात है। लोग जो दूर से देख के बताते हैं कि पंजाब में सब बराबर हैं और सब वो हैं, जरूर होना चाहिए, लेकिन जब वोट डालने जाते हैं, शादी अपनी करने बेटी की करते हैं, तो इन सब चीजों का ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल वो जो बात आप कह रहे थे ना कि एक नूर ते सब जग उपजाया, कौन भला कौन मंदा, ये पीछे वो सूरज आप देख रहे हैं और इसका ये नूर, इसकी ये रोशनी, और उससे देखिए किस तरीके से फसल पकी हुई नजर आ रही है, लहलाती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस बात का जिक्र यहां पर दिबांग कर रहे हैं कि इस बात को मत भूलिए आप, समुदाय हिसाब से वोट यहां पर पड़ता है, समुदायवार तरीके से वोट करते हैं, दलित सिख अलग हैं, सवर्ण अलग हैं, सिख जो ओबीसी हैं वो अलग हैं, जाट सिख अलग हैं, इसी हिसाब से वोटिंग पैटर्न है। नहीं देखो, जो कास्ट है वो तो रहता है, जो समाज का कोई भी वर्ग है वो जो कास्ट का उन पर एक लग गया ना, जो लग गया वो मिटेगा नहीं है। उनकी बात सही है, जो गुरुद्वारों में या कोई भी जो बड़ा पद है उसमें जो जाट हो या कोई और ब्राह्मण हो या किसी भी वर्ग का हो, जब वो दलित के साथ भेदभाव किया जाता है वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। इसीलिए जो पंजाब में डेरे बड़े हैं इसी कारण बड़े हैं, जो डेरों में ना उनको मान सम्मान मिला है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, डेरे अस्तित्व में इस वजह से है। लेकिन बुल्लर जी मैं जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से जो राजनीतिक दल हैं वो जातिगत हिसाब से अपने समीकरण सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जातिगत समीकरण से
इस बार चुनाव जीता जाएगा या इस बार पंजाब की जनता मुद्दे पर बाहर आने वाली है? नहीं, मुझे लगता है मुद्दे इस बार महत्वपूर्ण रहेंगे। कास्ट का कभी भी पंजाब में इंपॉर्टेंट नहीं रहा। मैं दिबांग के साथ और जयसिंह के साथ ताल्लुक नहीं रखता, क्योंकि पंजाब में डेरे हैं, लेकिन जो डेरे के लो हेड हैं वो फिर जड़ सिख है। लेकिन पंजाब में कभी भी हम पंजाब को यूपी बिहार की तरह नहीं देख सकते। यहाँ पे एक आईपीएस ऑफिसर को शादी के लिए घोड़ी पे चढ़ने के लिए फोर्स से लानी पड़ती है, पंजाब में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये गुरु साहब की सीख है, वो लग बात है कि जात फैक्टर काम करता है, लेकिन कभी भी पंजाब में। और रही बात जैसे कि जे अगर बढ़िया समाज है वो बढ़िया समाज में शादी करेगा, वो ब्राह्मण समाज में नहीं शादी करेगा, जट सिख जट में करेगा। लेकिन लव अमेरिका चक्कर है वो होता है, ऐसी ऐसी में शादी करेगा। तो मुझे लगता है बाकी स्टेटों के मुकाबले पंजाब बेटर है। ठीक है, लेकिन मुद्दा इस बार एक मुद्दा आपको लगता है जो निर्णायक रह सकता है? नशा और नौकरी, ये मुद्दा है जो बहुत निर्णायक रहेगा। और हर इलाके में पंजाब के में लोगों को नौकरी चाहिए और नशे से छुटकारा चाहिए, ये हमने देखा है, महसूस किया है। नशा नौकरी आपकी नजर में मुद्दा? बेरोजगारी है बहुत बड़ा मुद्दा है, और जो मैनिंग है वो भी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आपकी नजर में मुद्दा? मुझे लगता है 2017 की अगर चुनाव की बात करें तो बेअदबी का मुद्दा और नशे का मुद्दा बहुत बड़ा था। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने भी मुद्दा बनाया था। इस बार वो मुद्दा कहीं ना कहीं गायब हुआ है। पर्सनालिटी पे इस बार ज्यादा लोगों ने चर्चा की है, पर्सनालिटी पर ज्यादा चर्चा हो रही है, मुद्दा गायब हो रहा है। आपकी नजर में चुनाव की दिशा? मेरे ख्याल से बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा पंजाब में नहीं है, पूरे देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी के चलते जितने युवक आत्महत्या कर रहे हैं उनकी संख्या बढ़ी है, सरकार ने खुद माना है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। तो पंजाब में बेरोजगारी जो है वो बड़ा मुद्दा रहेगी। विनायक सर, रोटी रोजी के मुद्दे बिल्कुल डोमिनेट करेंगे, और पंजाब में कम्युनल हार्मनी को लेकर भी वोटर के दिमाग पे रहता है कि कौन पार्टी है जो पंजाब में शांति और जो एक आपसी भाईचारा है उसको कायम रख सके। सो उस पे भी लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। सरहदी सूबा है, सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, तो आपको लगता है कि पंजाब के लोगों के ये कंसर्न होंगे जिसे लेकर वोट किया जाएगा। आपकी नजर में मुद्दा पंजाब में? पंजाब में मुद्दा बेरोजगारी और नशा है, और आखिर में आते आते सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। अब सारी पार्टीज जो हैं फ्रीबीज बांट रहे हैं, हम इतनी नौकरियां देंगे इतनी नौकरियां देंगे। पंजाब में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है पिछले कुछ सालों से, जिससे रोजगार जनरेट हो। तो कोई भी पार्टी ये नहीं बता रही है कि रोजगार जनरेट कहां से करेंगे। आप लोग जो बातें कर रहे हैं, वैसे मैं ये मतलब मुझे हैरानी वाली बात लग रही है कि साहब आप लोग सब जमीन से जुड़े हुए पत्रकार हैं, यहां की सियासी नब्ज समझते हैं, और ऐसे में किसानों का मुद्दा जो है उसका जिक्र आप में से किसी ने नहीं किया, क्यों? देखिए, किसानी के साथ साथ अगर हम ये कहें कि किसान नौकरियों से वो भी तो जुड़े हुए हैं ना। अगर किसानी को लेकर हम ये देखें कि राज्य सरकार का जो रोल रहता है वो एक सीमित रोल रहता है, लेकिन अगर नशा है तो वो किसानों से भी जुड़ा हुआ, किसान परिवार ही तो रहते हैं। अगर बेरोजगारी है तो वो किसान के बच्चे के लिए भी बेरोजगारी है, उसको विदेश जाना पड़ता है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस की 5 साल सरकार रही, राहुल गांधी की आप भाषण सुन लीजिए, मैं तो हैरान था उनका एक भाषण सुन के। उन्होंने कहा कि जब मुझे पता लगा, मुझे यकीन हो गया कि मेरा चीफ मिनिस्टर मिला हुआ है बीजेपी के साथ, तो मैंने उसे तुरंत हटा दिया। भाई साहब, आप ये एडमिट कर रहे हैं कि आपके जो नेता और जनता कहती थी वो समझने में आपको 4.5 साल लग गए, और 4.5 साल में आपने पंजाब का इतना नुकसान करवा दिया, आप जागे भी? और उस बात को लेके अगर आपको 4.5 साल लग गए तो आप पंजाब का ध्यान कहां रखे हुए थे? बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं। तमाम खास मेहमानों से चर्चा लगातार जा रही है, और इस बीच जालंधर कैंट से उम्मीदवार हैं इस सरकार में मंत्री प्रगट सिंह। पंजाब ते पंजाबियों दा परछावा, पंजाबी साडियां बावां, एबीपी सांझा। हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते डाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। एबीपी सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नूं अज ही संपर्क करो। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।